हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग जो है एक तो सेब्रोलेट बीट है, इसका जो इंजेक्टर जो है देख रहे हैं आप किस तरह से मोबिल आया हुआ है। ये जो है छिकछिकाता था ऊपर से, तो इसका जो है इंजेक्टर सब जो है आवाज़ कर रहा था, छिकछिका रहा था यहाँ से, छक 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 छक, जैसे आप चाबी सेल्फ मारे तो स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद जो है छिक 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 करके आवाज़ कर रहा था। मतलब यहाँ से जो है ऑयल फेंक रहा था और जो है थोड़ा बहुत मानो डीजल भी आ रहा था और नीचे से, और छक 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 करके आवाज़ कर रहा था। और कई सारे लोग जो है ऐसे है कि वो लोग जो है नोजल का आवाज़ सब बंद करने नहीं पाता है, एक बार दो बार करने के बाद तब जाके होता है, कोई ये देता है कोई वो देता है, कपड़ा देके ऐसा करता है। तो आज हम आप लोग को दिखाएंगे कि आपको किस तरीके से फाइनल जो है आपको एक बार में नोजल का छिकछिकी बंद कर सकते हैं आप। तो अभी हम लोग जो है सेब्रोलेट बीट का देख रहे हैं, इसका इंजेक्टर खोले हुए हैं, और भी गाड़ी है, बहुत सारा काम है अभी, वो सब गाड़ी का भी काम है। तो उसके बाद जो है अभी पहले जो है हम लोग इसका छिकछिकाने का आवाज़ तो आपको दिखाते हैं किस तरह से आपको करना है। कौन कर रहे हाँ करना था। तो फाइनली जो है इसका ये वाला 8 नंबर एलकी का जो बोर्ड लगता है इसमें, तो सेब्रोलेट सब में 8 नंबर एलकी का ही लगता है। और ये जो है इंजेक्टर को हम करेंगे अब बाहर, ये थोड़ा सा ये रहता है जाम रहता है, तो आपको जो है इसको हिला के इस तरीके से लेफ्ट राइट इसको हिला के उसके बाद ही आपको निकालना है, यानी कि जोर जबरदस्ती नहीं करना है, वरना ये जो है टूट सकता है। इस तरह से हिलाना है और ऊपर की तरफ खींचना है, आपको निकालने का भी तरीका बताएंगे। इस तरह से हिलाना है और ऊपर की तरफ खींचना है, उसके बाद जो है नोजल निकल जाएगा बाहर। देख सकते हैं दोनों को एक साथ आपको निकालना है, वरना एक ठप्पा नहीं निकलेगा। तो फाइनली जो दोस्तों आपको है ना इस तरीके से निकालना है, देखिए दोनों एक साथ निकलेगा, 3 सिलेंडर है जिसके कारण 2 एक साथ निकलेगा और एक ये वाला जो है एक रहेगा, इसका एक ही तो है। इसमें आपको निकालने के समय आपको ये ध्यान रखना है कि इसका इंजेक्टर का जो वाल्सर है ये निकला है या नहीं निकला है, दोनों पूरा भीग चुका है। तो इसमें जो है एक ठो में तो आ चुका है और एक ठो नहीं आया है, ठीक है। तो फाइनली सबको करेंगे क्लीन, उसके बाद जो है इंजेक्टर आपको एक बार में लगाएंगे, दिखाएंगे आपको किस तरह से लगाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आप, ये वाशर तो जो है इस तरीके से जल जाता है, देख रहे हैं यहाँ पे जला हुआ है, और इधर भी ऐसे ही दिखे वाशर तो बैठ चुका है पूरा, इसी के कारण वो जो है चिकचिका रहा था। तो अभी हम लोग नया वाशर डालेंगे इसमें। तो हेलो फ्रेंड्स, ये जो है अभी जो शाम हो चुका है इसके कारण हम लोग नहीं दिखा पाए, तो अभी आप देख सकते हैं इसका जो है पहले आपको थ्रेडिंग टेप से पहले आपको ग्रीस दे देना है नोजल में, उसके बाद जो है आपको ग्रीस देने के बाद जो है आपको क्या करना है वाशर को बिठा देना है, उसके बाद जो है आपको थ्रेडिंग टेप से लपेट के उसके बाद पूरा एकदम पूरा तरह से कवर कर देना है, ज़्यादा नहीं हल्का मात्रा में लेके उसके बाद फिर ऊपर से भी इसको ग्रीस कर देना है, ठीक है। ऊपर से भी ग्रीस करना है, देखिए जैसे हम लोग लगा दिए हैं ग्रीस, ये देखिए ग्रीस लगा हुआ है, ग्रीस लगा जिससे कि वो बैठेगा प्रॉपर जगह बैठेगा, और आपको जगह दिखाते हैं। तो ये आ गए हम लोग अपना जगह में, और ये आप देख सकते हैं जगह ठोक, देखिए इस टाइप का क्लीन होना चाहिए, पूरा प्रॉपर क्लीन होना चाहिए दोनों, जैसे ये एक हो गया और ये दूसरा हो गया, दोनों हम लोग क्लीन कर चुके हैं, या हल्का फुल्का अभी भी है थोड़ा बहुत, तो उसको भी और क्लीन करेंगे, लेकिन आपको इस टाइप से क्लीन करना चाहिए पूरा। इसके बाद आपको दिखाते हैं नोजल बैठा के। तो अभी जो है हम लोग दोनों नोजल को बैठा लिए हैं, और आपको ये देखना है कि एक नंबर में ही जाना चाहिए, दो नंबर में ही जाना चाहिए। अभी जो है हम लोग जो है फाइनल इसको फिटिंग करेंगे। तो सब में इसका पुराना वाशर जो है वो निकाल लेना चाहिए, जिससे पुराना वाशर जो है वो बारीकी से निकाल देना चाहिए था। जो है इस तरह से आपको फिटिंग करना है। फाइनल आपको पहले टाइट कर लेना है, उसके बाद आपको पाइप सब लगाना है, उससे पहले आपको पाइप नहीं लगाना है, पहले आपको फुल टाइट दे देना है एक जगह रख के, उसके बाद, और ये भी नहीं कि एकदम पूरा टाइट दे देंगे कस के, तो वरना पता चला स्लिप हो गया, एकदम हिसाब से बढ़िया से टाइट हो चुका है। अभी जो है हम लोग प्लंजर पाइप लगाएंगे। तो फाइनली जो दोस्तों इसका जो है हम लोग, ये तो मोटर वाला सिस्टम है तो इसलिए इसका ईयर वायर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इसमें डायरेक्ट आप ऑन कीजिए, चाबी ऑन कीजिए, डायरेक्ट तेल आके फुल हो जाएगा। थोड़ा ईयर निकाल देने से ज़्यादा बढ़िया भी रहेगा, तो इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि ईयर निकाल ही देते हैं, ठीक है। ईयर निकालने से क्या होता है कि हाफ राउंड में जो है आपका गाड़ी स्टार्ट होता है,
हम लोग जो है थोड़ा थोड़ा पैर से ढीला कर देते हैं, अभी जो है सेल्फ मारेंगे, चाबी ऑन करके पहले एक बार ईयर निकालेंगे। तो अभी जो हम लोग सेल्फ मार रहे हैं, मार मार मार, रुक जा एक मिनट, चाबी ऑफ कर, फैन चलो रे, मार मार सेल्फ मार मार। हाँ देखिए सेल्फ से हो चुका है इसका। रेस ना दिस थी। फाइनली जो है स्टार्ट हो चुका है, हंड्रेड लग रहा है, मतलब देख सकते हैं एक बार में स्टार्ट हुआ है, ठीक है, लीक लाक हो नहीं रहा है अभी कुछ, छिकाना सब बंद हो चुका है। तो अभी इसको जो है फाइनल हम क्लीन करेंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे। अभी सब सामान जो है जो जितना आप फिटिंग करेंगे।